हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर है ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का, जिसमें हम चौथा यूनिट देख रहे हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन भी है जो आपको हेल्प करेगा ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसको शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको सारे मिलते रहें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा यूनिट है ये। भारत में समाजशास्त्र के संदर्भ में प्राचीन वर्णन प्राप्त होता है, तो भारत में समाजशास्त्र के संदर्भ में प्राचीन वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम बार समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम बार समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। और ये पहला पेपर है समाजशास्त्र का, जिसमें से ये फोर्थ यूनिट है, या कह सकते हैं फोर्थ चैप्टर है, चौथा चैप्टर है या अध्याय है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई, तो कोलकाता विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई, 1917 में। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना कब हुई, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है, तो ये रोज का कथन है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है और ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो बम्बई विश्वविद्यालय में भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को मान्यता कब प्राप्त हुई थी, तो 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी। पूना विश्वविद्यालय में किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी, तो इरावती कर्वे या ई कर्वे के अध्यक्षता में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। गिडिंग्स ने समाज का आधार किसको माना है, तो गिडिंग्स ने समाज का आधार समानता को माना है। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक अनूठी प्रणाली है, ये देखिए 2022 में पूछा भी जा चुका है। तो जाति जो है सामाजिक स्तरीकरण की एक अनूठी प्रणाली है, कहाँ पे, भारत में। भारत में जो है क्या है, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक अनूठी प्रणाली है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पारस्परिक जाति व्यवस्था की विशेषता, पारंपरिक जाति व्यवस्था की विशेषता थी, तो संस्तरण यानी जो समाज में स्तर होते हैं ना, निम्न, मिडिल और हाई, श्रम विभाजन और जाति अंतर विवाह, ये तीनों ही क्या है, पारंपरिक जाति व्यवस्था की विशेषता थी। समुदाय के तत्व हैं, क्या तत्व हैं, व्यक्तियों का समूह, स्थान, सामुदायिक भावना, सभी, तो ये सभी क्या हैं, समुदाय के क्या हैं, तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है आई एंड और एक्सप्लेनेशन किसकी रचना है, तो आई एंड और एक्सप्लेनेशन जो है जी एस घुरिया की रचना है, और चूंकि ये जी एस घुरिया की रचना है इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जी एस घुरिया का जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1893 में, 12 दिसंबर 1893 में। थॉकवेज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डब्ल्यू जी समनर ने लिखी है। ये पुस्तक देखिए चूंकि 2022 में पूछा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। थॉकवेज पुस्तक किसने लिखी है, डब्ल्यू जी समनर ने। अगला कथन है डॉक्टर जी एस घुरिया की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि जी एस घुरिया के योगदान को देखते हुए उनका स्टेटमेंट हो या बुक्स हो वो इंपॉर्टेंट है। इंडियाज साधु, गॉड्स इन मैन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये सभी क्या हैं, जी एस घुरिया की किताबें हैं, उनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जाति अत्यधिक व्यापक और जटिल व्यवस्था है, ये कथन किस भारतीय समाजशास्त्री का है, तो जाति अत्यधिक व्यापक और जटिल व्यवस्था है ये कथन डॉक्टर जी एस घुरिया का है, जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं। कास्टा शब्द का क्या अर्थ है, अगला क्वेश्चन है 18वां कि कास्टा शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रजाति और प्रजातिभेद, ये दोनों ही क्या है, कास्टा शब्द के अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी है, तो कूले की परिभाषा है और इम्पॉर्टेंट है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं, ये कूले का कहा हुआ स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है जाति एक वेद वर्ग है, ये कथन किसका है, तो जाति एक वेद वर्ग है, ये मजमूदार का कथन है। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, भारतीय जनगणना 1931 के अध्यक्ष कौन थे, तो जे एच हट्टन जो है भारतीय जनगणना सन 1931 के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर घुरिया ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो डॉक्टर घुरिया ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही एकमात्र उत्तरदायी कारण रहा है, ये कथन किससे संबंधित है, तो निसफील्ड से ये कथन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति वर्ग तथा व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जाति वर्ग तथा व्यवसाय पुस्तक के लेखक जी एस घुरिया हैं, सही आंसर बी हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
जाति वर्ग तथा व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के अध्ययन और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र रहा है? मतलब कौन सा विश्वविद्यालय यूपी में उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के अध्ययन और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र रहा है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए ये 2022 में भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम समाजशास्त्र की लखनऊ वैचारिक शाखा से संबंधित है? तो डीपी मुखर्जी। देखिए डीपी मुखर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र की लखनऊ वैचारिक शाखा से संबंधित कौन है? डीपी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम समाजशास्त्र की लखनऊ वैचारिक शाखा के अंतर्गत समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में विद्वता की तिकड़ी में सम्मिलित नहीं है? तो मजमूदार सम्मिलित नहीं है, बाकी राधा कमल मुखर्जी, पीएच प्रभु और डीपी मुखर्जी ये तीनों सम्मिलित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, पीएच प्रभु, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, मजमूदार इसमें नहीं है। अगले जो क्वेश्चन है वो एक पुस्तक के बारे में है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज लिखी गई थी किसके द्वारा? तो डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी, 2022 में पूछा है तो रिवीजन कर लें बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया यानी जो शहरीकरण की प्रक्रिया है वो औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो भारतीय समाजशास्त्री जीएस घुरिए का ये कथन है, सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर घुरिए ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ब्राह्मणवादी सिद्धांत इन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है कि मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर किसकी रचना है? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर ये श्रीनिवासन की पुस्तक है। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1942 में। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कूड्स ऑफ साउथ इंडिया किसकी रचना है? ये भी श्रीनिवासन की रचना है। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? तो ये श्रीनिवासन से ही संबंधित है। पश्चिमीकरण से संबंधित विद्वान है कौन है? तो पश्चिमीकरण से संबंधित जो विद्वान है वो भी कौन है? श्रीनिवास हैं। इनका नाम श्रीनिवासन कहीं कहीं देखने को मिलता है और श्रीनिवास भी कहीं कहीं लिखा रहता है। लौकिकीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये भी श्रीनिवास से संबंधित है, चाहे पश्चिमीकरण हो या लौकिकीकरण हो, ये दोनों किससे संबंधित हैं? श्रीनिवास से। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? श्रीनिवास ही हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। किसका संबंध पश्चिमीकरण से है? तो समताकारी व्यवस्था, तार्किक विचारधारा, मानवतावादी मूल्य, ये सभी क्या हैं? पश्चिमीकरण से संबंधित हैं। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश में यूपी में हुआ था आचार्य नरेंद्र देव का जन्म। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो राधा कमल मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय जो है आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1957 में हुई थी, आज़ादी के टोटल 10 साल बाद, 47 में हम आज़ाद हुए, उसके 10 साल बाद 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो जीएस घुरिए द्वारा। मैंने कहा जीएस घुरिए हो गए, राधा कमल मुखर्जी हो गए, ये सभी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता विशेषता है किसकी? तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत या भेदभाव, तो ये पारंपरिक जात व्यवस्था की विशेषता है। क्या? अस्पृश्यता होता है ना कि जो अपर कास्ट के हैं वो लोअर कास्ट को जो है हेय दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना की दृष्टि से उनको देखते हैं, उन्हें अपने से निम्न मानते हैं, छुआछूत जैसी चीज़ें उनके मन में पाई जाती हैं। और देखिए ये 2022 में पूछा भी जा चुका है तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है सोसाइटी वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी पूछा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय किस वर्ष प्रकाश में आया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है प्रकाश में आया था। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।